हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन सक्सेस गुरुजी में। दोस्तों, वीडियो को देखने से पहले मेरे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन सक्सेस गुरुजी को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको जो आने वाली वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन मिल सके। आज का टॉपिक जो हमारा है मेमोरी। जी हाँ, मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी जो क्या है, कंप्यूटर मेमोरी इज़ अ स्टोरेज डिवाइस स्पेस दैट इज यूज टू स्टोर इन्फॉर्मेशन फॉर इमीडिएट यूज़ इन कंप्यूटर। जी हाँ, कंप्यूटर की जो मेमोरी है वो एक स्टोरेज डिवाइस है और एक स्पेस है जो इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है ताकि जो हम उसे फ्यूचर में यूज़ में कर सकें। जो भी फाइल और डाटा जो हमने सेव कर रखा है कंप्यूटर की मेमोरी में, उसे हम फ्यूचर में देख सकते हैं और यूज़ में ले सकते हैं। उसके बाद है टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। जी हाँ, टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, जो कंप्यूटर की टाइप्स हैं वो दो तरह की कंप्यूटर की मेमोरी होती है। फर्स्ट इज़ प्राइमरी मेमोरी, सेकंड इज़ सेकेंडरी मेमोरी। जी हाँ, कंप्यूटर की जो मेमोरी हमें दिखाई गई है वो है फर्स्ट प्राइमरी, सेकंड सेकेंडरी। अब बात करते हैं हम प्राइमरी मेमोरी की। प्राइमरी मेमोरी, इसे हम मेन मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। जी हाँ, प्राइमरी मेमोरी जो होती है मेन मेमोरी भी कहलाती है। द मेमोरी यूनिट दैट कम्युनिकेट डायरेक्टली विद द सीपीयू कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी। जी हाँ दोस्तों, जो कंप्यूटर के सीपीयू के साथ कम्युनिकेट डायरेक्टली करती है उसे हम क्या कहते हैं, प्राइमरी मेमोरी, यानी कि मेन मेमोरी। कंप्यूटर के डायरेक्ट जो सीपीयू, सीपीयू इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, जिसमें हर एक चीज़ क्या होती है, स्टोर होती है, उसे हम सीपीयू कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी जो है डायरेक्टली कनेक्ट होती है किसके साथ, सीपीयू के साथ। जी हाँ, इसके बाद दिखाया गया है इट इज़ कॉल्ड वॉलेटाइल मेमोरी बिकॉज इट लोज द डाटा व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज स्विच्ड ऑफ। इसे हम दोस्तों वॉलेटाइल मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये जब हमारी लाइट चली जाती है तो इसमें जो डाटा होता है, हम जिस पर काम कर रहे होते हैं, वो क्या हो जाता है, लोस्ट हो जाता है। दैट मीन इट कांट स्टोर द डाटा परमानेंटली। इसमें हम परमानेंटली डाटा स्टोर जो है करके नहीं रख सकते। जी हाँ, कंप्यूटर की मेमोरी में जो हम हैं, जो प्राइमरी मेमोरी में डाटा हम परमानेंटली स्टोर करके नहीं रख सकते। अब प्राइमरी मेमोरी को जो है आगे फर्दर डिवाइड किया गया है दो भागों में, एक है रैम और एक है रोम। रैम आगे फर्दर दो भागों में डिवाइड है और रोम आगे तीन भागों में डिवाइड करके हमें दर्शाई गई है। जी हाँ, बात करते हैं आगे रैम। रैम क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसमें डाटा जो है लाइट जाने के बाद लोस्ट हो जाता है। जी हाँ, उसकी दो टाइप्स हैं, एस रैम और डी रैम। एस रैम जो होने वाली है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और डी रैम जो है डायनेमिक रैंडम रीड एक्सेस मेमोरी। जी हाँ, उसके बाद रोम। रोम जो है हमारे पास रीड ओनली मेमोरी के नाम से जाना जाता है, जिसमें डाटा जो है परमानेंटली स्टोर रहता है। जी हाँ, जब लाइट भी चली जाती है, इसमें जो कुछ फाइल्स होती है परमानेंटली स्टोर रहती है, जिसे हम फाइल को कहते हैं BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम वाली फाइल्स। जी हाँ, इसको तीन भागों में बांटा गया है। प्रोम, यानी कि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। सेकेंड ई प्रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। थर्ड इज डबल ई प्रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। जी हाँ, ये थे हमारे प्राइमरी मेमोरी के भाग। इसके बाद है दोस्तों सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी इज इट इज आल्सो नोन ऑफ एक्सिलरी मेमोरी। एक्सिलरी मेमोरी, हम इसे एक्सिलरी मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, एक्सिलरी मेमोरी होती क्या है? एक्सिलरी मेमोरी रेफर करती है लोएस्ट कॉस्ट को हाईएस्ट स्पेस को। जी हाँ, जो एक्सिलरी मेमोरी होती है लोएस्ट जो है हमारी कॉस्ट को और हाईएस्ट जो है हमारी स्पेस को रेफर करती है। द मेमोरी यूनिट विच इज प्रोवाइड बैकअप स्टोरेज कॉल्ड सेकेंडरी मेमोरी। जी हाँ, द मेमोरी यूनिट, जहाँ पर हमें बैकअप मिलता है, स्टोरेज का बैकअप मिलता है, जो हमने डाटा स्टोर कर रखा है फ्यूचर में यूज़ करने के लिए, हमें जो बैकअप मिलता है वो सेकेंडरी मेमोरी से मिलता है।
जिसे हम फ्यूचर में यूज़ करने के लिए भी स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके जो एग्जांपल्स हैं वो हमारे पास एसडी कार्ड, एसडीडी, पेन ड्राइव, सीडी। जी हाँ, अभी इसका जो आगे का भाग है, इट इज़ चीपर देन प्राइमरी मेमोरी। यह जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी है वो बहुत ही चीप दामों में हमें प्रोवाइड होती है। इट इज़ लार्ज कैपेसिटी एंड स्टोर द डाटा परमानेंटली। लार्ज कैपेसिटी हमें मिलती है, साथ में डाटा जो है परमानेंटली स्टोर करके रखती है। इट कैपेसिटी मोर इज़ मोर इन टेराबाइट्स एंड हैंडल लार्ज डाटा। हमें जो इसकी कैपेसिटी है टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, ठीक है, इसके रूम में मिलती है और डाटा को हैंडल करके, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को हैंडल करके रखती है। सेकेंडरी मेमोरी इज नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू द सीपीयू। जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी है वो डायरेक्टली सीपीयू के साथ कनेक्ट नहीं होती, इसे हम इंटरनल और एक्सटर्नल के रूम में यूज़ करते हैं। इसकी एग्जांपल्स हैं एसडीडी, हार्ड डिस्क ड्राइव, सीडी, कंपैक्ट डिस्क, डीवीडी, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, एसडी कार्ड जो हम मोबाइल्स में यूज़ करते हैं या कैमराज में यूज़ करते हैं, पेन ड्राइव जो हम पोर्टेबल डिवाइस के रूप में भी यूज़ के रूप में करते हैं, और एक्सेट्रा, बहुत सारी इसकी डिवाइसेज हैं जो हम यूज़ में लाते हैं। अभी जो हमारे पास चार्ट दिखाया गया है वो है कंप्यूटर मेमोरी का, जिसमें दो भागों में बांटा गया है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी भाग रैम और रोम है। रैम में आ गया है एस रैम, डी रैम, प्रोम, ई रोम, डबल ई प्रोम। अभी सेकेंडरी मेमोरी एच डी डी वी, एस एस डी, कंपैक्ट डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप, जिसके बारे में हमने इस टॉपिक में जाना है। दोस्तों ये थी हमारी छोटी सी वीडियो जो मेमोरी के रूम में थी। मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें और मेरे चैनल ऑनलाइन सक्सेस गुरुजी को सब्सक्राइब जरूर करें। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद जो हमारे पास अगर कोई दोस्त हिंदी की वीडियो देखना चाहता है तो रोहित अरोड़ा के नाम से चैनल है, उसको सब्सक्राइब जरूर करें। और पंजाबी के बारे में कोई भी टॉपिक जानना चाहता है तो अमित जिंदल के नाम से हमारा चैनल है, इसको ज़रूर देखें। थैंक यू वेरी मच।